आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं सुविनायक तिवारी आरपीकेपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। कार से हो रही थी अवैध शराब की तस्करी। पिपरिया रोड सिंगौड़ी में दबिश देकर पुलिस ने 3 आरोपियों को 50,000 रुपए कीमती अवैध शराब सहित पकड़ा। शराब का अवैध कारोबार करने वाले आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने उनके विरुद्ध मामला कायम किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया एवं एसडीओपी केपी सिंह के मार्गदर्शन में विजय राघवगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रितेश शर्मा व उनकी टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। मुखबिर ने थाने में सूचना दी थी कि बिना नंबर की कार कटनी से सिंगौड़ी की ओर आ रही है, जिसमें शराब रखी हुई है। थाना प्रभारी व उसके स्टाफ ने तत्काल पिपरिया रोड सिंगौड़ी के समीप दबिश दिया, जहां एक कार आती हुई दिखी, जिसे रोककर तलाशी लेने पर उसमें 10 कार्टून मिले, जिनमें कुल 500 पाव यानी 90 लीटर मदिरा रखी थी। कार में सवार शिवाजी नगर कटनी निवासी सागर पिता ऋषि राज बर्मन उम्र 24 वर्ष, मंगल नगर कटनी निवासी आदित्य तिवारी पिता रजनीश तिवारी उम्र 19 वर्ष व यश बर्मन पिता संजू बर्मन उम्र 21 वर्ष से पूछताछ करने पर उन्होंने अवैध शराब सप्लाई करना बताया। इसके बाद पुलिस ने शराब सहित कार को थाने में लाकर खड़ी कराया और आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।